गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कार्तिकेय मनु सक्सेना फ्रॉम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक द थ्री फार्म बिल दैट सेंटर हैज पास. द फर्स्ट फार्म बिल, द फार्म प्रोसीजर ट्रेड एंड कॉमर्स 2020, द फार्म एम्पावरमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020. सो let's two more points I am going to discuss in this video. Does center has power to make this law, or what is a dispute between center and state? So let's begin. In 1947, after independence, the farmer directly sent their goods to consumer, but due to zamindari system, Indian maximum farmers borrowed money in high interest from money lenders, and if the farmers not able to pay the money lenders take the farm goods in very low cost. Then after that, again for farming, farmers take loan from money lenders. Then this cycle repeats. And farmers got exploited. After that, APMC Act came in existence. अब APMC Act में क्या होता है? Farmers जो है अपना goods वो directly sell नहीं कर सकते. अगर उनको गुड सेल करना है, इफ ही फार्मर्स वांट टू सेल इज गुड, सो उनको मंडी में मिडलमैन, जिसको हम आढ़त बोलते हैं, आज जो लोग आढ़त का काम करते हैं, वो मंडी में आढ़त के वाले लोगों के पास ले जाके उनको सेल करना होता है, फिर आढ़त वाले सेल करते हैं. तो ये जो मिडलमैन है वो उसको आढ़त कहलाते हैं, और ये जो मिडलमैन होता है जिसको हम दलाल भी बोलते हैं, उसको एपीएमसी से लाइसेंस मिला होता है ये सब काम करने का. तो एपीएमसी एक्ट आया, एपीएमसी एक्ट के बाद आए द थ्री फार्म बिल. द फर्स्ट इज द फार्मर प्रोसीजर ट्रेड एंड कॉमर्स. इसका मतलब है कि जो किसान है वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में फ्री ट्रेड कर सकता है. उसके बाद आया द फार्मर एम्पावरमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिल. इस बिल में क्या होता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया एपीएमसी एक्ट के थ्रू के अंदर आड़त वाले काम, जो मिडलमैन होता है, उसके थ्रू फार्मर्स को अपना सेल करना, गुड सेल करना पड़ता था. लेकिन जब से ये जो सेकंड बिल है, इस बिल के अकॉर्डिंग ये है कि जो लोग आड़त का काम करते हैं, जो दलाल होते हैं, जो मिडलमैन होते हैं, उनका काम यहां से हट गया है. तो जो फार्मर है वो डायरेक्ट अपना गुड सेल कर सकता है, किसी को भी सेल कर सकता है विदाउट मिडलमैन के. उसके बाद है एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020. देन आफ्टर दीज थ्री बिल वी विल टॉक द रीजन टू प्रोटेस्ट. सो द रीजन टू प्रोटेस्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एवरी स्टेट हैज डिफरेंट डेवलपमेंट रेट. नो वन हैज सेम डेवलपमेंट रेट. दैट्स वाई सम स्टेट इज कॉल्ड रिच स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड सम कॉल्ड पुअर स्टेट्स. एवरी स्टेट हैज डिफरेंट डेवलपमेंट एक्वायर्स फंड. सम फंड्स दे ग्रो देमसेल्फ एंड सम फंड्स दे टेक फ्रॉम सेंटर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो क्या होता है, जो प्राइवेट मंडिया जब विल लेड टू अल्टीमेट क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग एपीएमसी. अगर एपीएमसी बंद हो जाएगा तो मिडलमैन का काम खत्म हो जाएगा, मिडलमैन को लॉस होगा. ठीक है, अगर हम टुडे आज के सिनेरियो में देखें तो एपीएमसी अभी एग्जिस्टेंस में है. तो एपीएमसी के अंदर क्या होता है, तो जो भी बाइंग और सेलिंग होती है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको टैक्स मिलता है, रेवेन्यू मिलता है. अगर वो बंद हो जाएगा तो स्टेट्स का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा. और अगर प्राइवेट मंडी आ जाती है, प्राइवेट मंडी आने से एपीएमसी खत्म हो जाएगी, इससे नो टैक्स एंड नो रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद रिमूवल ऑफ ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस. रिमूवल ऑफ ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस में क्या चीज है, लाइक जैसे कोई छोटा फार्मर है, अब उसको अपनी स्टेट में सामान नहीं बेच पा रहा है वो अच्छे से, अपनी स्टेट में उसको प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो रिफर करेगा दूसरी स्टेट. अब दूसरी स्टेट में गया वो, अब उसका दो तीन दिन तक सामान नहीं बिका, तो ट्रैवल अलाउंसेज, स्टोरेज अलाउंसेज, स्टोरेज प्रॉब्लम, वो सब इशू क्रिएट होगी. और प्लस इसके बाद जो आड़त वाले लोग हैं, जो मिडलमैन का काम करते हैं, उनका काम बंद हो जाएगा. तो नाउ वी विल डिस्कस द सेंटर हैज पावर टू मेक लॉ. फॉर दिस क्वेश्चन वी विल प्रिफर सेवन शेड्यूल. द सेवन शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री लिस्ट: लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री,
लिस्ट वन इज सेंटर मेक लॉ, लिस्ट टू सेंटर स्टेट मेक लॉ, एंड लिस्ट थ्री कॉन्करेंट सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉ. सो एग्रीकल्चर केम इन लिस्ट ऑफ टू स्टेट विच इज अ पार्ट ऑफ स्टेट. इफ इट कंसर्न स्ट्रिक्ट डिविजन सो स्टेट हैज पावर टू मेक लॉ. बट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट सेंटर हैज पावर टू मेक लॉज. इफ वी विल रिफर टू एक्ट आर्टिकल 248 रेसिड्यूरी पावर एंड आर्टिकल 249 पावर ऑफ लेजिस्लेशन देन येस सेंटर हैज पावर टू मेक लॉ. थैंक यू.